पिछले 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस की 200वीं शहादत पर दलित समुदाय पर हुए बर्बरता पूर्वक व्यवहार के खिलाफ आज समूचे भारत देश में निंदा व्यक्त करते हुए उग्र प्रदर्शन जारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज दलित एवं सर्वजन समाज के नेतृत्व में आज खैरांजी बंद किया गया है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार नागपुरे ने भीमा कोरेगांव में हुए दुर्घटनाक्रम की तीव्र निंदा करते हुए इसे मुनवादी विचारधारा के लोगों द्वारा कार्य अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार नागपुरे ने इस पूरे घटना की निंदा करते हुए अपना शोक व्यक्त किया है। बालाघाट से संदीप वाघमारे की रिपोर्ट, आप देख रहे थे न्यूज़ UC60.com। खबरें अलग अंदाज में।